भारतीय तटरक्षक बल ने शुक्रवार को नौसैनिक अभियान शुरू किया है, इसलिए तट के आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखी गई थी। घटनास्थल पर पुलिस ने भैंदर क्रीक पर रेलवे पुल के उत्तर की ओर से रेत से भरी एक बड़ी नाव देखी। उस वक्त इस नाव में 6 व्यक्ति बैठे नजर आए। पुलिस ने उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन नाव किनारे तक नहीं पहुंची और नवघर की ओर बढ़ने लगी। नाव पकड़ने के लिए संजय चौहान और संजय महाले ने किनारे पर मछली पकड़ने वाली नाव की मदद से पीछा करना शुरू किया। रेत माफियाओं ने अपनी नाव के पीछे जब पुलिस की नाव देखी तो टक्कर मारने और डुबाने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन बहादुर पुलिस ने पीछा किया और रेत माफिया की नाव तक पहुंच गए और यहां तक कि अपनी जान की परवाह भी नहीं की उन्होंने। बालू माफियाओं ने पुलिस के डर से छलांग लगा दी और भागने का प्रयास करने लगे। 2 सफल भी हुए भागने में। हालांकि पुलिस नाव के मालिक रोमियो डेनिस मालिया, ड्राइवर सत्तार लखीउद्दीन शेख, जाबुल अलाउद्दीन मंडल, इंदादेन समत मंडल और शहाबुद्दीन रहीन शेख को पकड़ने में कामयाब रहे। ये सभी RNP पार्क कोलीवाड़ा भैंदर पूर्व के रहने वाले हैं। बालू माफिया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नाव को किनारे पर ही रख दिया। इस तरीके से पुलिस ने एक फिल्मी अंदाज में यह गिरफ्तारी की, जिसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। मीरा भैंदर शहर में प्रशासन ने दुकान लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक नियम और शर्तों में छूट देने का निर्णय किया है। केवल 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर ही दुकानदार लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में नगर पालिका के खजाने में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। ठेकेदार के दस्तावेजों की पूर्ति की आड़ में लूटपाट की जा रही थी। मीरा भैंदर में करीब 55,000 प्रतिष्ठान, इन दुकानों को नगर पालिका के माध्यम से दस्तावेज लेकर स्थापना लाइसेंस दिया जा रहा था। मुख्य रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड, आग अनापत्ति प्रमाण पत्र, सोसाइटी अनापत्ति प्रमाण पत्र, बिजली बिल, संपत्ति कर बिल, दुकान किराया समझौता, GST बिल, दुकान मालिक अनापत्ति प्रमाण पत्र, क्लर्क लाइसेंस और 2 फोटो लेने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाता था। इसके लिए नगर पालिका 1 साल के लिए ₹500 और 3 साल के लिए ₹1500 चार्ज करती थी। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में दुकानों की स्थापना लाइसेंस जारी करने के लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया गया था। हालांकि नगर पालिका द्वारा बताए गए इतने सारे दस्तावेजों की शर्तों के चलते दुकानदारों के लिए लाइसेंस बनाना मुश्किल हो रहा था। साथ ही इसका फायदा उठाकर ठेकेदार दस्तावेजों के नाम पर दुकानदारों से अधिक पैसे वसूल रहे थे। इसलिए भाजपा के वरिष्ठ नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल ने एक पत्र में मांग की थी कि पालिका के दस्तावेजों के नियम व शर्तों में राहत देनी चाहिए। इसी के तहत उपायुक्त संजय शिंदे ने मंगलवार को लाइसेंस विभाग की विशेष बैठक की। इस बैठक में वे अब दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए केवल 3 ही दस्तावेजों जैसे पहचान पत्र, भूमि खरीद विलेख या लीज एग्रीमेंट और पेट प्रॉपर्टी बिल की आवश्यकता का आदेश दिया है। इस निर्णय से लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों की संख्या में वृद्धि होगी और नगरपालिका खजाने में भी इजाफा होगा और इस पर जो लूटपाट हो रही थी वो भी कम होगी। आने वाले अक्टूबर तक भैंदर से वसई ठाणे रूट पर यात्री जल परिवहन सेवा शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस सेवा के लिए जेटी बनाने का काम तीव्र गति से चल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मेरा भैंदरवासियों को इस बार जल सफर का दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है। इस योजना के तहत गुड़बंदर वर्सोवा में यात्री जेटी का निर्माण कार्य चल रहा है और यह जुलाई तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद यात्री बोट से जा सकते हैं और जल परिवहन शुरू हो जाएगा। ये बातें शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने कल कार्य का निरीक्षण करने के बाद कही है। जेटी परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य विधायक निधि से किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन भी इस अवसर पर किया गया। इसके लिए सरनाईक ने 50 लाख रुपये का फंड उपलब्ध कराया है। इसमें राज्य सरकार से 25 लाख और विधायक निधि से 50 लाख रुपए की निधि का समावेश किया गया है। राज्य सरकार के प्रयास से इस जल परिवहन योजना का कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके तहत ठाणे, भैंदर, वसई, डोंबिवली शहरों को जल परिवहन से जोड़ा जाएगा। मीरा भैंदर मनपा क्षेत्र के वर्सोवा जेटी पर करीब 7 करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं। इसे जुलाई तक पूरा कर सितम्बर अक्टूबर से यह सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। मुख्य मार्ग से यात्री घाट तक होटल फाउंटेन के सामने 12 मीटर चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने का निर्देश सरनाईक ने मेरी टाइम बोर्ड के अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश के बाद जल परिवहन के कार्यों को गति मिली है। यात्री घाटों के पूरा होने के साथ अगले कुछ महीनों में भैंदर पश्चिम, भैंदर जैसल पार्क, वर्सोवा गायमुख कोलशेत से नवी मुंबई डोंबिवली तथा वसई विरार को जल सेवा से जोड़ा जाएगा।